नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज हम सिर्फ एक बार ब्रीफली जो हमारा ग्राफ था और जो साइन थीटा कोस थीटा है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके बारे में हम कुछ और जानकारी लेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके पूरे नाम क्या है। ठीक है, पहला था साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं साइन थीटा, शॉर्ट में क्या क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या था, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसको हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, कोस थीटा। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या था, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, टेन थीटा। और चौथा फंक्शन क्या था, को टेंजेंट, इसको हम क्या लिख देते थे, कोट थीटा। सेकेंड थीटा, इसको हम क्या लिख देते थे, सेक थीटा। और लास्ट क्या था, को सेकेंड थीटा, इसको हम लोग क्या लिख देते थे, कोसेक थीटा। ओके, क्या ऐसे ही बताए जा रहे हैं कि इनके पूरे नाम क्या है, आपको बोलना ऐसे ही है, याद ऐसे ही रखना है। अब देखो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है साइन थीटा, ये उसका को फंक्शन है, को साइन थीटा, उसको हम कोस बोल देते हैं। ऐसे ही जो टेंजेंट है उसका ये को फंक्शन है, सेकेंड है इसका ये को फंक्शन है, मतलब साइन का को फंक्शन क्या है, कोस, टेन का को फंक्शन क्या है, कोट, सेक का को फंक्शन क्या है, कोसेक। अब आप बोलेंगे सर को फंक्शन क्या है, को फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, जब हमने ये ग्राफ देखा था, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो जब हम एंगल चेंज करते थे ब्रेकअप करने के लिए, तो हम देखो इधर कैसे आ सकते हैं, इधर मैं आ सकता हूँ जीरो प्लस थीटा, मतलब वही थीटा, या मैं इधर 360 प्लस थीटा से आ सकता हूँ, इधर मैं ऐसे भी आ सकता हूँ 90 माइनस थीटा। ठीक है, इधर मैं कैसे जा सकता हूँ 90 प्लस थीटा, इधर मैं कैसे जा सकता हूँ 180 माइनस थीटा, नीचे वाले में मैं कैसे जा सकता हूँ 180 प्लस थीटा, इधर कैसे जा सकता हूँ मैं 270 माइनस थीटा, और इधर 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा। इसी प्रकार के तो ब्रेकअप कर रहे थे हम लोग, क्या प्लस क्या माइनस, क्या प्लस क्या माइनस। अब देखो, जब हम परिवर्तनीय अक्ष मतलब वाई अक्ष के सापेक्ष ब्रेकअप करते हैं 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा तो 270 प्लस थीटा, तब होता क्या है, जब आप ब्रेकअप करोगे तो जो नए थीटा की वैल्यू आती है, जो प्लस या माइनस करके जो लिखा हुआ है आपने, तो ये परिवर्तनीय अक्ष क्या करती है, यदि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल है तो उसमें को लगा देती है, और अगर उसमें ऑलरेडी को लगा हुआ है तो को हटा देती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, जैसे साइन 120, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन 90 प्लस 30 परिवर्तनीय अक्ष में, साइन किस में बदलता है, कोस में, तो कोस क्या है, कोस साइन का को फंक्शन है, क्या है, साइन का को फंक्शन है। अब इसने क्या किया, वाई अक्ष ने, वाई अक्ष ने इसका को फंक्शन ला दिया, अगर मेन फंक्शन होगा तो को फंक्शन आ जाएगा नए वाले थीटा के साथ, और यदि को फंक्शन ऑलरेडी है तो वो को फंक्शन हट जाएगा, मेन फंक्शन आ जाएगा जो हमारा मूल फंक्शन था, तो ये कोस 30 आ जाता है। देखो अब दूसरा मैं को फंक्शन का देख लेता हूँ, को फंक्शन का कौन सा, कोस 135 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 प्लस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा, कोस, कोस में क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव। अब नया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा परिवर्तनीय अक्ष में क्या होता है, चेंज होता है, क्या आएगा, साइन 45। अब देखो ये जो बात मैं बोल रहा था, परिवर्तनीय अक्ष ने क्या किया, यदि मेन फंक्शन है तो उसका को फंक्शन ला दिया, यदि को फंक्शन ऑलरेडी है तो को हटा के मेन फंक्शन ला दिया।
ये हर जगह होगा, चाहे 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, कुछ भी हो, लेकिन वही हमारा जो मेन अक्ष x-अक्ष है, अपरिवर्तनीय लाइन, वो फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। मेन फंक्शन है तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए मेन फंक्शन रहेगा, को फंक्शन है तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए को फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, ये ना लिख के 180 माइनस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव, 180 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस 45, देखो कोस रहा कोस, क्योंकि ब्रेकअप किसके सापेक्ष किया हमने, एक्स अक्ष, अपरिवर्तनीय लाइन। जबकि जब आप परिवर्तनीय लाइन मतलब वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ब्रेकअप करते हैं तो को फंक्शन हट जाता है या को फंक्शन लग जाता है, नहीं होगा तो लगा देना है, होगा तो हटा लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो किसका को फंक्शन क्या है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, कुछ नहीं लगाना, जो मेन फंक्शन है उसके आगे को लगा दो। साइन इसका किस में चेंज होगा, कोसाइन में, टेन कोटेंजेंट में, सेक कोसेक में। ठीक है, कौन किस में बदलेगा, अब ये है तो को हटा दो, एस बचा, एस मतलब साइन, अब ये है को तो ये हटा दो मतलब टेन, अब ये है तो ये हटा दो मतलब सेक। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो जो एंगल बनता है वो मेरा पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पे मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 180 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 270 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 360 डिग्री है, एंड सो ऑन। लेकिन यदि मेरा एंगल, इसको मिटा देता हूँ एक बार, यदि मेरा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेगा तो मेरा एंगल कैसा होगा, थीटा ये वाला है तो ये होगा नेगेटिव थीटा। ठीक है, अब नेगेटिव थीटा बोलो तो जीरो, जीरो के बाद इधर परपेंडिकुलर 90 डिग्री ट्रेवल कर लिया तो यहाँ पे क्या भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस 90 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ तक आ गया यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ माइनस 180 डिग्री भी कभी मिल जाए तो ये माइनस 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस 270 डिग्री है, यहाँ पे 0-360 डिग्री है, और ऐसे नेगेटिव में बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेगेटिव को सॉल्व करना हम देख ही चुके थे, कोस और सेक में पच जाता है माइनस, मतलब माइनस का फर्क नहीं पड़ता, बाकी में थीटा की वैल्यू को अंदर रहने देंगे और माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इतना हम ख़त्म कर चुके थे, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से याद आया, अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं तो आपको प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन सी बराबर जीरो। ठीक है, ए प्लस बी माइनस साइन सी बराबर जीरो। देखो कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग, कौन कौन से तीन कोण, ए बी सी, त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए प्लस बी बराबर 90 माइनस सी, ऐसा लिख सकता हूं क्या। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। ठीक, अब जब भी ऐसे सिद्ध करने वाले सवाल है कि ये माइनस ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये बराबर ये सिद्ध करो, तो उसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला तो क्या, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और सॉल्व करते 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 बराबर राइट हैंड साइड ला दें। ठीक है, दूसरा, गुड मॉर्निंग, आप राइट हैंड साइड को लेके चलें और सॉल्व करते 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 उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला दें। ठीक है, और तीसरा कि आप पहले राइट हैंड साइड को लेके चलें कि कोई सी भी साइड हो सकती है, ठीक है, इसको सॉल्व करते 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 किसी एक वैल्यू पे पहुंचे,
होल्ड, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लें, फिर उसको सॉल्व करते 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 इसी वैल्यू पर पहुंचे, फिर बोल दें कि इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर है, राइट हैंड साइड भी इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई मेरी, आपस में बराबर हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके से जा सकते हैं जहाँ पे जो सुविधाजनक लगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज, देखो अब मैं ले लेता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी माइनस साइन सी। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस सी, इसमें रख सकता हूँ क्या मैं, तो साइन इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 180 माइनस सी लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज रहेगा साइन सी, ये बराबर लिखते जाना। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव लगाओ प्लस साइन, कौन सी अक्ष है, अपरिवर्तनीय अक्ष एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष जब चेंज होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, कहीं का रहेगा ये साइन का साइन, थीटा क्या है सी माइनस साइन सी, कट गया प्लस माइनस बराबर जीरो, मतलब क्या आ गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड लिया था मैंने बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल मतलब ये जैसे किया, इसी की जगह में a प्लस बी की जगह में b प्लस सी लिख देता, इधर माइनस साइन ए लिख देता, या c प्लस ए लिख देता माइनस b लिख देता, कुछ भी होता, जो एंगल यहाँ पे पड़ा होता इन दोनों का समीशन इस फॉर्म में लाके रख देते, सॉल्व हो जाता। सिमिलर क्वेश्चन कॉस का भी आ सकता है ना, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो हमने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, कोस ए प्लस बी प्लस कोस सी बराबर जीरो, प्रूफ करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, कोस ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी को मैंने क्या लिखा था, 180 माइनस सी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं बराबर, ये तो माइन प्लस कोस सी तो एज इट इज है ही सही। ठीक है, 180 माइनस सी प्लस कॉस सी, देखो कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस कैसी वैल्यू रखता है, नेगेटिव लगाओ माइनस साइन, कौन सी लाइन है एक्स अक्ष, अपरिवर्तनीय रेखा, तो क्या फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, तो सेम आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पे क्या सी सी, पीछे क्या चल रहा है एज इट इज कॉस सी, प्लस से माइनस का कॉस किया कितना हो गया जीरो, जीरो मतलब क्या लेके आ गए आप राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव्ड। ऐसे ही जैसे यहाँ पे साइन के एंगल बदल बदल के हमने चेक करे थे, इधर भी हो सकता है बी प्लस सी प्लस कॉस ए, ए प्लस सी प्लस कॉस बी। ठीक है, समझ में आ गया, तो अब ये ध्यान रखें यहाँ ए बी सी उसने दिया हुआ था कि यदि ए बी सी त्रिभुज के कोई तीन कोण है तो सिद्ध करो ये ये ये, आगे और भी क्वेश्चन, ए प्लस बी त्रिभुज के तीन कोण है इसीलिए हम ये जानते थे, हमने ये लिखा। ठीक है, और कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एंगल्स की वैल्यू चेंज कर रखी है, तो आगे और कोई नया क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक पढ़ा उसके आंसर हम और क्या क्या हल कर सकते हैं। अब तक हमने किया था कि हमारे पास साइन कोस टेन कोट इनमें कोई थीटा की वैल्यू अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम थोड़ा उल्टा देखते हैं। सपोज़ हमें दिया हुआ है कि आपके पास कोस थीटा बराबर हाफ, अब तो मुझे आप ये बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोस थीटा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कोस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं हम, जीरो प्लस थीटा मतलब सीधा सीधा जो थीटा बनता है हमारा, या फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कैसे आ सकता हूँ, 360 माइनस थीटा, ब्रेकअप करते थे कैसे आते थे, 270 प्लस थीटा,
तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास थीटा की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, एक आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह कुछ भी हो, प्लस माइनस उसको भूल के सीधी सीधी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं साइड में लिख लेता हूँ, कॉस थीटा बराबर एक बटा दो। अगर ये माइनस एक बटा दो भी होता तब भी मैं इसको प्लस मान के एक वैल्यू लेता। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक बटा दो, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60, रटी पड़ी है हमारी ये तो, ठीक है। अब ये थीटा की पहली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, ये तो हमारे पास आ गई 60 डिग्री, चाहिए तो ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे चिपका दें। अब दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू के पास मेरे पास दो तरीके फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके, कौन से, एक तो मैं जाऊँ 360 माइनस थीटा से, दूसरा मैं जाऊँ 270 प्लस थीटा से। लेकिन मैं यहाँ केवल पहले वाले रिलेशन को ही फॉलो करूँगा, दूसरे को नहीं। कारण हमने देखा था कि हमारा जो वाई अक्ष है वो मेरी परिवर्तनीय लाइन है। परिवर्तनीय लाइन मतलब जब भी हमने किसी एंगल का ब्रेकअप किया होगा तो उसका फंक्शन उसके को फंक्शन में या को फंक्शन उसके मेन ओरिजिनल फंक्शन में चेंज हुआ होगा। तो मतलब ये कोस, अगर मैं इस लाइन का यूज़ करता हूँ तो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं था, लेकिन मेरे पास वैल्यू तो इसकी दी हुई है। तो हम कभी भी जब यूज़ करते हैं इस प्रकार से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, हम हमेशा ऊपर माइनस, मतलब जिस भी क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू लाई करती होगी उसमें जाने के लिए हम हमेशा एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का, एक्स एक्सिस से 360 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कौन सी लूँगा मैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आई है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 360 माइनस 60 रख दिया, मेरा आंसर कितना आ गया, 300 डिग्री। 300 डिग्री, एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या 300 डिग्री मेरी थीटा की वैल्यू सही है क्या। ये तो हमें याद है, चेक करने के लिए हम साइड में एक बार देख लेते हैं। कोस 300 को हम कैसे करते थे, कोस 270 प्लस 30, या हम क्या करते थे, कोस 360 माइनस 60, ये करते थे क्या। अब देखो कोस 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव लगा दो, प्लस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपरिवर्तनीय रेखा, मतलब फंक्शन कोस का कोस ही रहेगा, कोस बाद में क्या आ जाएगा 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, एक बट्टा दो, यही थी क्या, ठीक है। अब उस बात पर गौर करना जिसके लिए मैंने आपको मना किया था, अगर ये ब्रेकअप ऐसे हुआ होता तो ये काई में होता 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कोस पॉजिटिव, तो आता पॉजिटिव। लेकिन जब भी हम ब्रेकअप करेंगे वाई एक्सिस से, चाहे इधर जाएं चाहे इधर आएं, ये हमारा क्या करता है, या तो मेन फंक्शन का कोसाइन को फंक्शन लिख देगा या को फंक्शन का मेन फंक्शन लिख देगा। अब ये कोस है तो को हटा देंगे, क्या आएगा, साइन, और जब भी को फंक्शन आएगा तो थीटा क्या आएगा, 30। अब मैं जो बोल रहा था कि अगर हम इस पे इस वैल्यू से जाते तो जो थीटा की वैल्यू आती वो इस वाले थीटा की ना हो करके इसके को फंक्शन या इस को फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन जो थीटा की वैल्यू रखता होता उसकी वैल्यू आती, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री निकल के आया ना। इसलिए हम उस तरीके से ना जा करके अपरिवर्तनीय लाइन एक्स अक्ष से ही, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना हो, चाहे सेकंड में जाना हो, चाहे थर्ड में जाना हो, चाहे फोर्थ में जाना हो, इसलिए हम केवल और केवल उस तरीके से आएंगे। दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक ले लेते हैं क्वेश्चन, आपको दे दिया साइन थीटा बराबर माइनस एक बटा दो। अब बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू कैसी है क्वेश्चन में, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मेरा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा या वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कैसे जा सकता हूँ, कौन सा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कैसे जा सकता हूँ, या तो इधर से इधर आऊँ या फिर इधर से इधर आऊँ, लेकिन मुझे कैसे जाना है, हमेशा एक्स एक्सिस से। तो मैं 180 प्लस थीटा करूँगा, यहाँ पे लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरा क्या आएगा, 180 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको 360 माइनस थीटा करना होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, इनमें तो वैल्यू पुट करते हैं थीटा की, सीधे आंसर आ जाएंगे उस थीटा के। लेकिन ये थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे साइन थीटा बराबर कोई भी वैल्यू दी हो, चाहे प्लस में दी हो माइनस में दी हो, उसका मोड लेना है आपको। मोड मतलब ये इसको वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है,
साइन कितने डिग्री हाफ होता है बताओ, हमने टेबल में रटा था 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को मैं यहाँ पुट करता हूँ, कितना आया 210 डिग्री, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, 60 माइनस 30 कितना आया 330 डिग्री, दोनों चेक करके देख लेना, साइन 210 साइन 330 कैसे निकालेंगे आंसर, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में कैसे निकालेंगे हम, साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में क्या होगा साइन चेंज होगा, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि साइन थीटा इसमें नेगेटिव होता है माइनस, उसके बाद फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा क्योंकि हम ब्रेकअप एक्स अक्ष कर रहे हैं, तो वो माइनस साइन 30 नया एंगल, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो माइनस हाफ आ जाएगा, इसमें आओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ उसका ब्रेकअप कैसे करेंगे हम, इसका ब्रेकअप करेंगे हम साइन 330 बराबर साइन 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, अब कौन सा एक्सिस से ब्रेकअप किया हमने, एक्स अक्ष है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन, माइनस में क्या आया हमारा वापस से 30, तो माइनस हाफ इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेंगे आप, ठीक है, तो ऐसे बाकी के और भी क्वेश्चन हैं वो एक बार कर लेना। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, आगे अगली क्लास में देखेंगे, थैंक यू।